देखो नेक्स्ट, अभी इससे पहले हम क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, तो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया तो सबका लगभग ओके तो है, कोई तरह का दिक्कत है, सब जो गलत बनाया थोड़ा समझ में जहाँ भी दिक्कत होगा। दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो रहा था, इस जगह पे दिक्कत हो रहा था, यानी फाइव। अब सर फोर से तो फाइव डिवाइड नहीं होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो ना, तो वन बाई फोर तो लिख सकते हैं ना, वन बाई फोर प्लस 1/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड 6/4। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 से तो 5 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये ऊपर क्या करेगा, नीचे 1/4, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। अब देखो, अब ऊपर क्या 5 का 5 हो जाएगा और नीचे 4 का 4 प्लस 1/4, यानी एक पोर्शन ये पेयर हो गया, प्लस यहाँ पे देखो चेंज करेंगे 1/4 प्लस 3/2 डिवाइड, तो फिर चेंज करेंगे 4/6। अब देखो कट रहा है, दो बार में कट रहा है, इधर भी दो बार में, ये भी कट गया, यानी यहाँ बच गया 5, दोनों कैल्सियम ले लो, यानी 4 क्योंकि एक्स्ट्रा लिए ज्यादा कैल्सियम ले लिए, दोनों कैल्सियम लेने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों जगह सेम पोर्शन 5/1 क्लियर प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/4 याद रखना, बीच में प्लस है, ये सिर्फ 1/4 छोड़ देना, गलत बात वो फिर गलत हो जाएगा, बीच में प्लस है इसलिए प्लस रखेंगे, क्या सारा कट गया है, तो है 1/1 है। अब क्या है ये 6/4 प्लस, अब देखो यहाँ पे आएगा, आसान करना है थोड़ा, तो काट सकते हैं, नहीं करना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6/4 प्लस यहाँ पे जोड़ दो 5/4, अब दोनों कैल्सियम ले लो 4, यानी 6 + 5 बराबर 11/4 आंसर, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे प्लस है तो सब कटेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे इतना 1/1 है, एलसीएम लेकर तभी क्वेश्चन बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा।